अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग तमाम ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों तो आप लोगों को पता है कि बाज लोगों को कितना शौक होता है कि उनकी स्किन जो है वो व्हाइट हो, ब्राइट हो। मेरे ख्याल से बाज नहीं, तमाम लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनकी स्किन जो है वो व्हाइट हो, उनकी स्किन के ऊपर जो है वो ब्राइटनिंग हो और उनकी स्किन जो है वो बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रही हो। तो इस हवाले से मैं आज आप लोगों के साथ पेटल फ्रेश का जो है रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, ये एक पील ऑफ मार्क्स है, व्हाइटनिंग मार्क्स है, जो स्टैंड आपकी स्किन को व्हाइटनिंग देता है, आपकी स्किन के ऊपर ब्राइटनिंग लेकर आता है। पील ऑफ मार्क्स है, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि कुकेम्बर विथ विटामिन सी, विटामिन सी जो है इसके अंदर मौजूद है, कुकेम्बर इसके अंदर मौजूद है। आप लोग बताएं कि कुकेम्बर हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, हमारी स्किन को नरिश करता है, और विटामिन सी क्या करेगा, हमारी स्किन के ऊपर अगर किसी भी किस्म के कोई दाग धब्बे हो गए हैं तो उसको ख़त्म करता है, हमारी स्किन को लाइट करता है, ब्राइट करता है। ये तो हो गई इसकी गुड थिंग। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम जो है इसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि तमाम इंग्रेडिएंट्स के अंदर मेंशन किए गए हैं, किस तरीके से इसको अप्लाई करना है वो तमाम डिटेल यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर जो है किसी भी किस्म के कोई केमिकल्स वगैरह नहीं है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है और कलरलेस है। यानी कि इस पील ऑफ मार्क्स के अंदर आपको ना ही तो किसी किस्म का कोई कलर मिलेगा, ठीक है, और इसके अंदर केमिकल्स जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं, पैराबेन और सल्फर जो है तो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो वो इसके अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। तो तमाम स्किन वाले जो हैं इसको ईजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और ठीक है, हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर ये 150 ml जो है हमें मिल जाता है। 150 ml, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, 150 ml जो है इस ट्यूब के अंदर हमें मिल जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, आपको लोकल मार्केट से हर जगह से ये मिल जाएगा। ओनली 420 का जो है ये लाइटनिंग मास्क, ब्राइटनिंग मास्क पेटल फ्रेश वालों का आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लोकल मार्केट से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन इसका जो रिजल्ट है दोस्तों वो बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है कि अगर आप इसको कहीं जाने से पहले, कहीं पार्टी में जा रहे हैं आप या किसी इवेंट में जा रहे हैं, तो आप पील ऑफ मास्क अगर अप्लाई करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है दोस्तों। और इस मास्क को, पील ऑफ मास्क को हम वीक के अंदर 3 दफ़ा जो है वो यूज़ कर सकते हैं, 3 टाइम हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारी स्किन के ऊपर किसी भी किस्म की कोई डार्कनेस है या इसके हमारी स्किन इवन टोन के अंदर नहीं है तो हम इस मास्क को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और ये मास्क क्या करेगा, आपके फेशियल हेयर है उसको भी रिमूव करेगा, क्योंकि जब आप पील ऑफ मास्क जो है अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं और आपके फेस के ऊपर अगर फेशियल हेयर होते हैं तो वो भी इसके ज़रिए जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, रिमूव होते हैं। तो ये भी इसकी एक गुड थिंग है। और रिजल्ट इसका आपको 1 टाइम अप्लाई करने भी मिल जाएगा, आपकी स्किन जो है वो लाइट होगी, ब्राइट होगी। और अगर इसको आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेडियंट ग्लो करने लगेगी, ब्राइटनिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी और आपकी स्किन जो है स्मूथ हो जाएगी। आपकी स्किन के ऊपर अगर डिसकलरेशन हो गया है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता इसको यूज़ करने से जो है वो तमाम ख़त्म हो जाएगा और आपकी स्किन जो इवन टोन के अंदर आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर किसी भी किस्म के कोई केमिकल्स वगैरह तो ऐड नहीं किए हैं, इसलिए हमारी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है और हमें इसे वीक में 3 टाइम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसको दिखा दूँ ओपन करने पे कि ये किस तरीके की प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल जाती है, ठीक है। अंदर से आप देख सकते हैं कि ये सील पैक है, हालांकि मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ लेकिन मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसकी सील पैक जो है वो ओपन नहीं की थी। देखिए मैं 3 से 4 टाइम जो इसको यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे इसका रिजल्ट मिला है, इसके बाद ही मैं आपके साथ इसको जो है वो शेयर कर रही हूँ। आप इसको थोड़ी सी अमाउंट जो है अपने हैंड के ऊपर लेके देखिए, देखिए मैं आपको दिखा दूँ कि बिल्कुल ये कलरलेस है, इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई कलर वगैरह जो है वो अप्लाई नहीं किया गया है, ठीक है। दोस्तों एक छोटी सी टिप जो है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, जब भी आप कोई मास्क वगैरह लेते हैं इस तरीके के, पील ऑफ मास्क हो या दूसरे मास्क हो, आप तमाम को फ्रिज के अंदर रखा करें ताकि ये जो है कूल रहे, क्योंकि समर के अंदर हम इनको अप्लाई करते हैं और कूल मास्क से हमारे फेस के ऊपर अप्लाई होता है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट भी आपको देगा और आपके पोर्स वगैरह जो ओपन हो जाते हैं उनको भी मिनिमाइज करता है, ठीक है। तो ये भी मैंने फ्रिज में ही रखा हुआ था, अभी मैंने आपको इसको शेयर करने के लिए, इसका रिव्यू शेयर करने के लिए इसको मैंने अभी फिर से निकाला है, ठीक है। अब मैं आपको अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि हम इसको फेस पे किस तरीके से अप्लाई करेंगे और ये हमें किस तरीके का रिजल्ट देगा। जी दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं जो मास्क है मैं अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ और आपको किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। नीचे से आप ऊपर की तरफ इसको अप्लाई करेंगे ताकि ये आप लोगों के जो है स्किन को जब टाइट करेगा तो आपकी स्किन जो है वो सहगी ना करे। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ नहीं लगाएंगे और
इसको गलत डायरेक्शन के अंदर लगाएंगे तो आपकी स्किन जो है वो लूज़ हो सकती है, तो आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन के अंदर इसको लगाना है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे, ऊपर से नीचे की जाने हम इसको नहीं लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, जी दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने फुल फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर चुकी हूँ। अब इसको हम ड्राई होने का वेट करते हैं, तकरीबन 15 से 20 मिनट हमें लगेंगे इसको ड्राई करने के लिए। जी दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब हम इसको जो है इस तरीके से निकाल लेंगे, इसी आप नीचे से ऊपर की जाने भी निकालेंगे, थोड़े थोड़े अमाउंट के अंदर आप इसको निकालते रहिए। ठीक है, इस तरीके जिस तरीके से मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, और आप देखेंगे कि एक दफ़ा के अप्लाई से ही स्किन के ऊपर कितनी फ्रेशनेस आती है। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा इसको स्लो स्लो मोशन के अंदर इसको आप पूरा जो है वो निकाल लीजिए। जी दोस्तों इसके ज़रिए आपके फेस के जो फेशियल हेयर है वो भी रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, और ऐसा ऐसा करके वो भी आपके फेस के जो है वो तमाम के तमाम जो है रिमूव हो जाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन मैं अपने हाफ फेस का जो है इसको निकाल चुकी हूँ, और जहाँ जहाँ से निकला है आप रिज़ल्ट जो है वो देख सकते हैं कि कितनी ब्राइटनिंग जो है मेरे फेस के ऊपर आई हुई, कितनी लाइटनिंग आप लोग खुद देख सकते हैं। मैंने लाइव आप लोगों को रिज़ल्ट जो है वो इसका दिखाया है, देखिए भी पूरा उतर चुका है, और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है कि मेरी स्किन के ऊपर कितनी वाइटनिंग आई है, कितनी ब्राइटनिंग आई है। ठीक है, यू कैन वॉच दिस। जी दोस्तों इस मास्क को अप्लाई करने के बाद मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई है, बहुत ज़्यादा यूथफुल लग रही है, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा, आपको बहुत ही इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपके सामने इसको करके दिखाया, रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। जी दोस्तों तो वीडियो यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, पेटल फ्रेश का जो रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की कि किस तरीके से हमारे फेस के ऊपर वर्क करता है, लाइव डेमो भी आप लोगों को करके दिखाया कर, इसका जो इंस्टेंट रिजल्ट है वो किस तरीके का मिलेगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आइंदा भी इस तरह की हेल्पफुल वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।